नमस्कार साथियों, हम फिलहाल कंडेला गांव में हैं। कंडेला गांव में हम विजेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह के घर पे हैं, जो 26 जनवरी के दिन दिल्ली गए हुए थे। आज यहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आए हुए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो विजेंद्र सिंह है, 26 जनवरी के दिन गए थे, अभी तक लापता है। तो ये घर वाले भी कह रहे थे कि किसान नेताओं की तरफ से स्टार्टिंग में तो मदद की गई थी, लेकिन बाद में कोई मदद नहीं की गई। ये 4 महीने का समय हो गया है, लेकिन कोई पैरवी नहीं की गई बाद में। भाई पैरवी तो सबकी की है, सबकी जमानतें करवा दी हैं, लेकिन जिसका पता नहीं लग रहा उसका क्या किया जाए। अब इन्होंने बताया कि शायद कहीं जेल में है, वो भी कच्ची बात है। अभी तो अभी हम अपने वकील को फ़ोन कर रहे हैं, तो वो जेल से पता करेंगे। अगर जेल में हुआ तो उसकी जमानत करवाएंगे। ये सीधे दिमाग का लड़का है, जो वैसे तो जेल में सुविधा है घर पर टेलीफोन करने की, अपना मैसेज भेजने की, लेकिन वो बेचारा वो भी नहीं भेज पाया। तो अभी वकील को फ़ोन करेंगे और इसका फ़ोटो भी उसके पास भेजेंगे, और वो जेल से या जो उनके सोर्स होंगे पता करने के। एक मोठ गांव का किसान भी है जो नानंद हल्के में आता है और हिसार जिला लगता है, उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। वो भी 26 जनवरी के दिन मतलब किसान ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए थे। नहीं होगा, लापता होगा, लेकिन अभी ये तो नहीं पता उसका है कहाँ, ढूंढे कैसे। घर वालों का कहना किसान आंदोलन में गए थे। ये किसान आंदोलन में गए होंगे, एडवर्टाइजमेंट तो कर सकते हैं उनकी। पहले मेरे पास नाम गए थे, मैंने पहले भी तुरंत वकील को भेज दिए थे, और उसके बाद तो अब ये आज पता लग रहा है, तो अब उसकी पैरवाई करेंगे। अब मतलब दोनों की पैरवाई की जाएगी, मतलब अच्छे से। बिल्कुल की जाएगी पैरवाई की, तो कोई सवाल ही पता नहीं होता। वकीलों की टीम बढ़ाई हुई है हमने। धन्यवाद। तो साथियों, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी कंडेला गांव में आए हुए थे कुछ दिन पहले। ईश्वर सिंह कंडेला जो पंचायती आदमी थे कंडेला गांव के, उनका देहांत हो गया था, उसके घोड़ा मोड़ने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर अभी विजेंद्र और सुरेंद्र के घर पर भी आए हुए थे। इनका कहना है कि अब इनकी निगरानी में जो आई है बात, कंडेले गांव का जो किसान है और मोठ गांव का जो किसान है, उनकी पैरवाई की जाएगी किसानों की तरफ से, जो किसान नेताओं की तरफ से। वकील की निगरानी में भी अभी ये बात आएगी। तो साथियों, हम कंडेला गांव में थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कंडेला गाँव से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।